रुपया 2000 रुपया, हद से 2000 रुपया। मैं आपकी तो सिर्फ 2000, ओनली फॉर 2000। बीज भी आ गया जी, ये पहले जमीन को रोटावेटर करती है, तो दूसरी मशीनों से ये हाफ रेट में मिलेगी आपको 2000 रुपए के अंदर। 2000 के अंदर कमाल की बात है ना, देख लो अब आप भी सब कुछ आ जाएगा 2000 के अंदर। 50% लेस, 50% सीधा ही आप कह सकते हैं, सभी कह सकते है ना। तो दोस्तों ये है महिंद्रा की तरफ से आने वाला पैडी प्लांटर, और इसके अंदर क्या फीचर हैं तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो सर इस मशीन का जो नाम है वो क्या नाम है? इस मशीन का नाम है सर महिंद्रा प्लांटिंग मास्टर पैडी 4 रो जी। ये जो मशीन है ये 4 रो जी राइड ऑन मशीन है जी, मतलब इसके ऊपर ड्राइवर बैठ के मशीन की ट्रांसप्लांटिंग मैकेनाइज तरीके से कर सकता है जी। और इस मशीन और जो अपनी ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग है उसमें फर्क है सबसे बड़ा जो है कि लेबर का। इस मशीन के लिए चलाने के लिए आपको कम लेबर की आवश्यकता पड़ती है, एक ड्राइवर चाहिए आपको और दो आपको पीछे लोग चाहिए जो इसके अंदर पनीरी डाले, बस यही काम है। 3 से 4 लोगों से आप काम एक कर दिन सकते में 7 से 8 एकड़ प्लांटिंग कर सकते हो बिल्कुल। और दोस्तों 7 से 8 एकड़ आप प्लांटिंग कर सकते हो 3 से 4 बंदे बस, सिर्फ यही है। और लेबर से छुटकारा दिलाएगी ये मशीन, और ये जापान की डिजाइन है मशीन, मिस्टर बुशी और महिंद्रा के साथ मिलकर ये बनी हुई ये मशीन है। और मिस्टर बुशी और महिंद्रा की क्वालिटी आपको पता ही है कितनी जबरदस्त होती है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, एक इसके अंदर ये सबसे जबरदस्त फीचर जो मुझे लगा कि इसके आगे रोटावेटर दिया हुआ है, और किसी मशीन के आगे आता नहीं है, तो इसके आगे दिया हुआ है। ये पहले जमीन को रोटावेटर करती है तो उसके बाद में प्लांट लगाती है। तो अगर मैं बात करूं ये सेंसर दिए गए हैं कि अगर आपका जब यहाँ से पनीरी है वो खत्म हो रही है तो ये आपको बता देगी। और सर और ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो हमें नहीं पता, आपको पता हो? जी सर, सबसे पहला फीचर तो आपने बिल्कुल अच्छे से बताया कि जो इसमें रोटो पडलर है जी, जैसे कि मशीन बार बार हम खेत में चलाते हैं जब वो मुड़ती है तो जो वो खेत के किनारों को सबको वो अनलेवल्ड कर देती है। तो जब हमने लास्ट में जब वो चलानी है तो हम उसको रोटावेटर साथ के साथ चला देंगे इसका, जिससे क्या होगा जमीन साथ के साथ तो पडलिंग हो जाएगी, मतलब कद्दू हो जाएगी बिल्कुल, और साथ के साथ ये ट्रांसप्लांटिंग करता रहेगा, तो टाइम सेविंग और एक्यूरेसी मशीन की बढ़ जाएगी जी। दूसरा इसमें एक AZ हैंडल दिया हुआ है जी, AZ हैंडल की मदद से जी जो है हम मशीन को एक खेत से दूसरे खेत में अगर हमको लेके जानी है जी तो मशीन के ऊपर बैठे बिना इसकी मदद से ले सकते हो आप दोस्तों। इसकी मदद से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो मशीन को, मैं वीडियो ऊपर लगा दूंगा आपको पता चल जाएगा। इस हैंडल की वजह से आप उसको आगे पीछे कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं इसकी ऊपर, तो ये यहाँ से फ्रंट रिवर्स आप कर सकते हो, और ये इधर ड्राइव दिए गए हैं इनके, तो ये कुछ और सेटिंग्स हैं 22 CM 20, ये पूरे यहाँ पर बताया गया है। और भी बहुत सारे इसके अंदर छुपे हुए फीचर हैं, यहाँ से कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ से कर सकते हो आप, ये सेटिंग्स हैं यहाँ से भी कर सकते हो आप। और ये दो लेन लगाती है सर, दो लेन चार लगाती है और काफ़ी अच्छी मशीन है। इसके साथ आपको जो पनीरी लगाने के लिए क्या बोलते हैं सर उसको, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, हाँ सीडर भी दिया जाएगा पनीरी लगाने के लिए जो सीडर है, और हाँ वो सीडर पनीरी लगाने के लिए जो सीडर होता है दोस्तों वो भी साथ में दिया जाएगा। और एक बात ये, दूसरी मशीनों से ये हाफ रेट में मिलेगी आपको, ये आप देख लो भी दूसरी मशीनों से हाफ रेट में। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मशीन से जो बिजाई का खर्चा है लगभग आधे से भी कम हो जाता है। मान लो कितने मान का चले, 2000 से अंदर 2000 रुपया, हद से हद 2000 रुपया। मैं आपकी तो सिर्फ 2000, ओनली फॉर 2000। बीज भी आ गया जी, लेबर भी आ गई, पेट्रोल भी आ गया मशीन का, सब कुछ आ गया 2000 रुपए के अंदर। 2000 के अंदर कमाल की बात है ना, देख लो अब आप भी सब कुछ आ जाएगा 2000 के अंदर। तो बहुत ही किसानों के लिए लाभदायक और काफी अच्छी मशीन, और दूसरी मशीनों से हाफ रेट में, सही बात है ना सर जी? बिल्कुल, दूसरी मशीनों से हाफ रेट में ले जाओ, हाफ रेट में और अच्छी क्वालिटी में, अच्छी सर्विस, दूसरी मशीनों से हाफ रेट में ले जाओ, हाफ रेट में ले जाओ, 50% लेस, 50% सीधा ही आप कह सकते हैं, सभी कह सकते है ना भी, 50% लेस पर ले जाओ भाई दूसरी मशीनों से, कभी भी आ जाना। नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप इनको कॉल कर सकते हो। ये कौन सी डीलरशिप है सर? ये वाहेगुरु फार्मिंग सोल्यूशन है जलंधर। जलंधर तो ये डीलरशिप है, आप यहाँ पर भी आ सकते हो, इनको कॉल भी कर सकते हो।
तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी सभी तरह की इस मशीन को लेकर। तो ये टायर भी आप देख सकते हो इसके कितने, फोर व्हील ड्राइव के अंदर ये मशीन आती है। सबसे ज़बरदस्त बात तो ये लगती है यार, दूसरी मशीनों से 50% लेस में ले जाना भाई आप, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपको दे देंगे, अगर ना दे तो आप मुझे बता देना, हम दिला देंगे दूसरी मशीनों से आपको आधे रेट में। ठीक है, जैसे 14 लाख 15 लाख की आती हैं मशीनें दूसरी, तो ये देखो। और काफ़ी, और आज का मेरे हिसाब से जैसे पंजाब के अंदर जो लेबर इस समय पनीर इस लगाने का पैड़ी लगाने का प्राइस मांग रही है, तो उसके हिसाब से तो भाई ये मशीनें ही लानी पड़ेंगी। 5000-6000 रुपया एकड़ मांग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राइस। और ये मशीनें लाओ भाई, आने वाले टाइम में तो यही लानी पड़ेगी। और दो हाथों से लगाएंगे, अगर इस मशीन से लगाओगे तो 2 से 3 क्विंटल ज़्यादा निकलेगा जो चावल है, वो ज़्यादा निकलेगा हाथ से और इस मशीन से। ये मशीन 1.5 लाख पौधा लगा देती है सर एकड़ में, हर हाथ से हम लगा सकते हैं 60,000-65,000 अखीर 70,000 लगा सकते हैं, तो इससे तो हम डबल लगा सकते हैं, 70 से 1.5 लाख तक हम लगा सकते हैं। 1.5 लाख तो 1.5 लाख पौधा लगा सकती है। मान लो कि हाथ से हम एक एकड़ के अंदर कितनी पनीर लगती है हाथ से, 2 से 3 किलो बीज लगता है सर, 7 से 8 किलो बीज लगा सकते हैं। दोस्तों ये देखो कि एक एकड़ के अंदर 2 से 3 किलो बीज लगता है हाथ के साथ, और इस मशीन के साथ हम 6 से 7 kg लगा सकते हैं। अब आगे आप ही सोच लेना। और ये लाइनिंग के लिए दिया गया है, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो मैं बताऊंगा तो यूं ही भी बोरिंग वाली बात हो जाएगी, बाकी तो सब आप सबको पता ही होता है कि ये फीचर होते हैं इन मशीनों के अंदर। बस ठीक है, हमारा काम होता है आपको चीज़ दिखाने की, ये चीज़ है और ये काम ऐसे ऐसे है, बस ठीक है, इतना ही काम होता है भाई यार अपना तो। बाकी आपको पता ही है अपनी वीडियो बनाने का फंडा क्या रहता है, कि सिंपल तरीके से समझा दो कि बस मशीन है भाई। ठीक है, आप डेमो वगैरह देख सकते हो, आ सकते हो, वीडियो तो ले सकते हो, चला सकते हो, अपना काम कर सकते हो, किराए के ऊपर भी आप काम कर सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया चलेगा। तो ठीक है भाई, वीडियो कैसी लगी आपको जरूर हमें बता देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, कमेंट अच्छा बुरा जो आपको ठीक लगे कमेंट करना जरूर, पर भाई अगर नहीं अच्छी लगी तो भी बुरा कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लेकिन करना जरूर। तो थैंक यू भाई, वीडियो को शेयर कर देना सब किसानों के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।